नहीं भी आऊंगी तो चलेगा। नीचे भी लो, फर्श में। फर्श में अलग से लेने पड़े। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज डेली ब्लॉग से हटकर कुछ अलग सा वीडियो मैं आपके बीच में ला रही हूँ, क्योंकि मेरी कई ऐसी फीमेल फ्रेंड हैं जो मेरी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे पर्सनली बोला है कि खुशी जी आपकी साड़ियों के कलेक्शन दिखाइएगा, तो बस मैं वही दिखाने आई हूँ। तो मेरे साथ है वैदेही। वैदेही हाय कर दो, वहां करो हाय सबको। तो दोस्तों, जब मैं हल्द्वानी आई थी, मैं और गोविंद शादी करके हल्द्वानी आए थे, तो मेरे पास केवल एक साड़ी थी। वो साड़ी मैं आपको दिखा रही हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। गोविंद ने शादी के समय वो मुझे लेके दी थी और वो मैंने आज तक अपने पास संभाल के रखी है। वो है ये साड़ी, वो है ये साड़ी। ये देखिए कितनी सुंदर साड़ी है, और ये गोविंद की पसंद से गोविंद ने मुझे दिलवाई थी। और ये साड़ी उस समय, यानी कि आज से 10 साल पहले, ये साड़ी थी 7,000 रुपये की। तो जब शादी का, जो आपको सभी को पता है कि शादी की साड़ी कितनी अनमोल होती है किसी के लिए भी, तो ये साड़ी मेरे दिल के बहुत करीब है। ये मैंने अभी तक संभाल के रखी है, और मैं अच्छे अच्छे जो आयोजन होते हैं वो तब मैं इसे पहनती हूँ। थैंक यू गोविंद। अगली साड़ी जो मैं आपको दिखा रही हूँ, वो गोविंद ने मुझे मेरे पहले करवा चौथ पर दी थी लेकर। और इस साड़ी की भी बहुत बड़ी कहानी है। हम, क्योंकि उस समय स्ट्रगल टाइम था, तो जेब भी थोड़ी सी ढीली रहती थी, तो मैं और गोविंद और हमारी जो आंटी हैं, जहाँ पे हम किराए में रहते थे, वो साड़ी देखने के लिए थ्री सन्स एक दुकान है हल्द्वानी में, वहाँ गए थे। तो ये साड़ी थी 8,000 रुपये की, और ये मुझे इतनी पसंद आ रही थी, और लेकिन जेब हमें अलाउ नहीं कर रहा था कि इतनी महंगी साड़ी हम लें। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, गोविंद मेरी नज़रों को पहचानते हैं, तो वो समझ गए कि इसे यही साड़ी चाहिए। तो पता नहीं उन्होंने क्या किया, कहीं पर से कुछ खर्चा कम किया होगा, और मुझे करवा चौथ में मेरी पसंद की साड़ी दिलवाई। और ये साड़ी सच में बहुत खूबसूरत है, आप अगर कभी देखेंगे, मैंने कई प्रोग्रामों में पहनी है। ये देखिए बहुत सुंदर, इसमें पूरा अच्छा ओरिजिनल वर्क किया हुआ है। तो ये मेरे बहुत ही प्यारी साड़ी है, मेरे दिल के बड़े करीब है। थैंक यू गोविंद। ये साड़ी देखिए कितनी सुंदर है, इसका जो आप काम देख रहे हैं, बिल्कुल कितना प्यारा गोटेदार काम है इसमें। बाकी ज़्यादा तो मैं नहीं जानती काम के बारे में, बट मुझे तो खूबसूरती बड़ी पसंद आई, और ये मेरे जागरण में, मेरे पहाड़ी प्रोग्राम में बहुत ही अच्छी लगती है पहन के। थैंक यू गोविंद। अगली साड़ी जो है वो भी पीले रंग की ही है। ये साड़ी भी थोड़ी सी हल्की है वेट में, लेकिन ये जैसे किसी शादी में, हल्दी में हम इसे पहन सकते हैं। ये भी बहुत प्यारी लगती है, और माता की चौकी जागरण में भी वो कलर है ये खिलने वाला। तो ये साड़ी भी मैंने इसी पर्पस से ली थी, अपने प्रोग्राम के पर्पस से। बहुत सुंदर लगती है ये साड़ी। ये साड़ी मेरी मौसी अपने लिए लेके आई थी, तो मैंने मौसी को बोला, मौसी ये कलर बहुत सुंदर लग रहा है, तो मौसी ने ये चटक करके मुझे दे दी। मेरी मौसी बहुत प्यारी है, थैंक यू मौसी। और ये साड़ी सच में अच्छी लगती है, ये देखिए इतना सुंदर काम है, और इसका जो कलर है वो सबसे डिफरेंट कलर है, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने मौसी से ले ली। हालांकि मौसी को मैंने रिटर्न भी किया, इसके बदले दूसरी जो उनको पसंद थी वो उनको दी, बट ये मैंने ले ली, बहुत सुंदर है। ये जो साड़ी है, ये हमारी एक मामी रहती है यहाँ पे, जीना मामा जी लोग हैं, तो मामी के बेटे की शादी हुई थी, तो मामी मामी ने मुझे बोला कि खुशी मैं तुझे इतना अच्छा मानती हूँ कि मैं बॉम्बे से 3 साड़ियाँ लाई थी, एक अपनी बहू के लिए, एक अपने लिए, और एक तेरे लिए। तो देखिए साड़ी कितनी सुंदर है, और मामी भी मेरी बड़ी प्यारी है, और कभी मैं आपको ब्लॉग के माध्यम से भी उनसे मिलाऊंगी। तो ये मुझे मेरी मामी ने, जीना मामी है, उन्होंने मुझे दी है। थैंक यू मामी। ये जो साड़ी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरी फेवरेट साड़ी है, और इसके पीछे का रीजन आप इसे खोल के देख लेंगे कि ये मेरी क्यों है इतनी फेवरेट। ये साड़ी मैंने ली थी बॉम्बे से। ये देखिए कितना प्यारा इसका साड़ी है, ये देखिए कितनी प्यारी साड़ी है, इसका जो किनारा है वो कितना प्यारा है, ये देखिए। और पूरी ये है सनील की, यानी कि ये वेलवेट है, पूरा वेलवेट है, और ये है नेट,
ये नेट है और ये बहुत सुंदर कलर का नेट है। इसका ब्लाउज और भी खूबसूरत है। इसका ब्लाउज है सनील का, उसमें किनारे में हाथों में और पीछे बैक साइड ऐसे पट्टी लगी हुई है चमकने वाली, तो बहुत सुंदर लगती है पहन के। ये मैंने बॉम्बे से, मैं कौतिक में गई थी बॉम्बे, तो मैंने वहां से खरीदी थी। ये भी कम से कम मुझे 7 या 8 हज़ार की पड़ी थी वहां, लेकिन मजा आया इसको पहन के और मैं अभी भी खूब पहनती हूँ इसे। अगली साड़ी जो मैं आपको दिखा रही हूँ, अब आप कहेंगे कि हर साड़ी इसकी फेवरेट है, लेकिन ये भी मेरी बहुत फेवरेट है। आप इसको देख के भी समझ जाएंगे कि ये मेरी क्यों है इतनी फेवरेट। देखिए ये साड़ी, सबसे पहले जो है इसका कलर टमाटरी कलर, वो मुझे बहुत पसंद है। दूसरा ये इसका जो कपड़ा है, ये है वेलवेट का, इसका यानी कि जो पल्ला है वो वेलवेट का है। और ये है नेट की साड़ी, ये मैंने जागरण के लिए ली थी। जब मैं माता के जागरण करती हूँ तब मैं इस तरह के कलर पहनती हूँ, पीला या लाल। तो ये साड़ी इतनी सुंदर लगती है, जागरण में खिल के आता है। इसके अंदर हम साटन का पेटीकोट पहनते हैं क्योंकि नेट है, तो ये बहुत सुंदर लगती है पहनने में। ये भी कम से कम 5 या 6 हज़ार रुपये की साड़ी है। ये आज से लगभग 4 या 5 साल पहले मैंने इसे लिया था, लेकिन अभी भी इसकी जो चमक है वो बरकरार है। अगली साड़ी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है, ये मैंने ड्राई क्लीन करके रखी हुई है क्योंकि अगली प्रोग्राम में मैंने ये पहननी है। तो ये कितनी प्यारी साड़ी है, देखिए प्योर सिल्क की साड़ी है ये। और ये साड़ी मैंने ली थी साड़ी महल से, हल्द्वानी में साड़ी महल एक दुकान है, वहाँ केवल 3 दुकानें हैं जहाँ से मैं साड़ी लेती हूँ, साड़ी महल, 3 सन्स और कला निकेतन। तो ये 3 साड़ी की दुकान में मेरी फेवरेट है और साड़ी महल तो सबसे फेवरेट है। ये मैंने वहीं से ली थी, ये भी 4-4.5 हज़ार की, नहीं ये थोड़ी महंगी है क्योंकि ये सिल्क की है, तो शायद ये 6 हज़ार की साड़ी थी। और आज से लगभग ये भी 4 या 5 साल पहले की साड़ी है, सारी संभाल के रखी है मैंने। तो इसका जो कलर है वो मुझे बहुत पसंद आया, और कलर में जो इसका नीचे, क्योंकि ऊपर नीला कलर है और नीचे जो ये बॉर्डर है ये बहुत सुंदर लगा, इसमें पिंक भी है तो ये खिल के आता है। इसका जो मेरा ब्लाउज था वो पिंक कलर का था, तो जब मैं पहनती थी तो बहुत अच्छा लगता था पहनने में। ये साड़ी भी मेरी साड़ी महल की ही ली हुई है, ये साड़ी भी बहुत प्यारी लगती है, जागरण के पर्पज से ली थी मैंने। और ये भी 3-3.5 हज़ार की साड़ी है और प्यारी लगती है पहनने में, बहुत सुंदर लगती है। ये भी हल्का सिल्क है लेकिन मिक्स सिल्क है, प्योर सिल्क नहीं कह सकते इसे। ये साड़ी मेरी मम्मी ने मुझे दी थी, यानी कि मेरे लिए ये ली थी हल्दी के लिए, और शादी के बाद मम्मी ने मुझे ये दी थी पहनने के लिए। तो आपको तो पता ही है पीला कलर कितना सुंदर लगता है, तो ये साड़ी भी मुझे बहुत पसंद है। फिर माँ ने मेरे लिए खरीदी थी तो मुझे अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा, साथ साथ में मैं इन्हें संभालती भी जा रही हूँ ताकि एक साथ बर्डन ना पड़े। अच्छा इस लाइन में चलते हैं अब। ये जो फर्स्ट साड़ी मैं दिखा रही हूँ ये मुझे दी है कुसुम दीदी, है मेरी कुसुम दिगारी, तो उन्हें पता है कि खुशी को साड़ियाँ पसंद हैं, तो दीदी ने मुझे दी है, गिफ्ट की है। तो ये साड़ी इतनी प्यारी है, देखिए सिल्क की साड़ी है और कलर जो इसके बीच बीच में फूल हैं वो हैं ग्रे कलर के, तो बहुत सुंदर लगती है पहनने में और सेट हो जाती है पहन के अच्छे से। थैंक यू कुसुम दी, थैंक यू सो मच। ये साड़ी मैंने ली थी दिल्ली चांदनी चौक से। जब मैं नवरात्रि की शॉपिंग करने के लिए गई थी चांदनी चौक, तो मैंने वहाँ से कम 4-5 साड़ियाँ खरीदी थी। तो ये साड़ी मुझे बहुत प्यारी लगी क्योंकि माता रानी का कलर है रेड, और इसमें जो बॉर्डर है वो है मस्टर्ड कलर का, और जो इसका पल्ला है वो भी है, पल्ला तो इसका बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए ये इसका पल्ला मस्टर्ड कलर का, तो ये बहुत सुंदर लगती है पहन के। इसमें दोनों चीज़ें कवर हो जाती है, मस्टर्ड कलर भी और रेड कलर भी, तो मज़ा आ जाता है। थैंक यू चांदनी चौक। ये साड़ी आज से कम 7 या 8 साल पहले मैंने ली थी और इतनी पहनी कि मैं थक गई पहन पहन के, और मैंने फिर ये संभाल के रख दी और अब मैं सोच रही हूँ कि दोबारा से पहनी जाए। इस साड़ी का सबसे सुंदर जो मेरे को बात लगी वो है ये जो इसकी ब्राइटनेस है ना,
जो इसके नेट में ये गोल्डन गोल्डन बूटे लगे हुए हैं, ये बहुत सुंदर लगते हैं, पहन के तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। और इसका जो ऑरेंज कलर का पल्लू है वो भी बहुत प्यारा लगता है। ये जो साड़ी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये शायद मेरा रॉन्ग डिसीजन था, बट मैंने ले ली, पता नहीं क्यों मुझे ये पसंद आई और मैंने ये ले ली। इसका ब्लाउज बहुत अच्छा है, इसलिए शायद मैंने ली भी तो 3 या 4 हज़ार की साड़ी है ये। ये भी मैंने साड़ी महल से ली, और लेकिन ली क्यों मुझे पता नहीं, क्योंकि ये कलर ना जागरण में चलता है, थोड़ा सा अंधेरा काला सा कलर है। हाँ, पार्टीज वगैरह, शादी की पार्टी में या रिसेप्शन में मैं पहन सकती हूँ। इसका ब्लाउज बहुत अच्छा है, क्योंकि जो इसका किनारा है तो ऐसा, जो ब्राइट किनारा है अच्छा सा, तो ऐसा पूरा ऐसा ही ब्लाउज है इसका। हालांकि मैंने केवल एक बार पहनी है, बट थोड़ा बहुत मलाल है इसे लेने का कि पता नहीं क्यों पैसे खर्च किए, लेकिन अब पहनूंगी कहीं ना कहीं। एक साड़ी ये है जो इस कलर को देखते हुए मैंने पसंद की, क्योंकि इसका जो तो पल्लू है वो पैरेट ग्रीन है, और इसका जो साड़ी का, इसकी जो पूरी साड़ी है वो भी बहुत सुंदर है। देखिए ऐसी इसका जो साड़ी है वो ये है, और पल्लू इसका पैरेट ग्रीन है। ये साड़ी भी अच्छी लगती है, ये भी 3 हज़ार की साड़ी है। एक्चुअली मैं कोई भी प्रोग्राम करती हूँ, चाहे हिंदी हो, पहाड़ी हो, जागरण हो, कैरियो की प्रोग्राम हो, तो मुझे साड़ी पहनना ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि हमारा जो इंडियन लुक आता है वो साड़ी में आता है। एक साड़ी मैंने ये ली थी, ये साड़ी भी मुझे अच्छी लगी, क्योंकि इसका जो कलर है वो है बैगनी, और बैगनी कलर की साड़ियाँ बहुत कम मैं पहनती थी। जब मैंने पहली बार ये बैगनी रंग देखा तो मुझे बहुत सुंदर लगा, मुझे लगा कि मुझे एक कलर की, एक बैगनी कलर भी मेरे पास होना चाहिए। हालांकि इसका पल्ला बैगनी है, और जो इसकी साड़ी है वो है पिंक। तो देखिए कितना सुंदर ये साड़ी है, और ड्रैकलिन करके मैंने रखी हुई है ये साड़ी भी, चिट भी नहीं निकला इसका। अब मैं इसको पहनूंगी अपने अगले प्रोग्राम में। अगली साड़ी जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मुझे दी है मेरी सिस्टर है ट्विसा, बॉम्बे से है वो, तो उसने मुझे ये साड़ी, क्योंकि उसे पता है कि खुशी भारी और थोड़ा सा कलर ब्राइट साड़ियाँ उसे चाहिए होती हैं, तो वो मेरे लिए लेके आई थी। उसने बोला कि ये आप पहनो जागरण में, आप पे अच्छी लगेगी। तो ये थैंक यू ट्विसा, इतना सुंदर कलर, और इसके अंदर हम साटन का पीला पेटीकोट पहनते हैं, तो ये साड़ी और भी ज़्यादा खिलके आती है। इसमें जो वर्क किया गया है वो हाथ से किया गया है, और इतना सुंदर काम है, बहुत सुंदर साड़ी है। थैंक यू ट्विसा। अगली साड़ी जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये साड़ी तो सबको पसंद आती है, मेरी सारी बहनें अप्रोच लगा के रखती हैं कि ये साड़ी जब तू नहीं पहनेगी तो हमें दे देना। ये साड़ी सच में बहुत खूबसूरत है, मेरा एक वीडियो भी वायरल हुआ था भजन का, जो मैंने माँ के ऊपर गया था, सासू माँ के ऊपर, तो उसमें मैंने ये साड़ी पहनी थी। तो कई लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि खुशी जी वो साड़ी आपने कहाँ से ली थी, तो ये साड़ी भी मैंने ली है साड़ी महल से। थैंक यू साड़ी महल। मेरी जो दोस्त है निक्की, उसका काम है साड़ियों का, तो उसने वो सीधे बॉम्बे से मंगाती है साड़ियाँ, तो उसने मुझे बोला था कि जब भी तू साड़ियाँ लेगी तो मेरे से ही लेना। तो जब मैंने वैधू हुई थी तो मैंने उसे पहले ही काफ़ी सारे साड़ियों के ऑर्डर दे दिए थे, तो कई लोगों को मैंने साड़ियाँ दी भी हैं, तो मैंने निक्की से ही साड़ियाँ ली थी। और ये कलर निक्की ने मेरे लिए पसंद किया था कि तू हर एक कलर में कुछ पहन, तो ये साड़ी मैंने खरीद ली थी उससे। और इसका जो पल्ला है वो है पिंक कलर का, तो बहुत प्यारी लगती है। और ये ज़्यादा इसलिए करीब है क्योंकि मेरी जो वैदेही है, उसका जब नामकरण हुआ था वो मेरी गोद में थी, तब मैंने ये साड़ी पहनी थी और उसका नाम रखा था। ये साड़ी जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मुझे इतनी पसंद है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। ये कलर जो है, ये इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो है सलेटी, और पिंक कलर के डिज़ाइन बने हुए हैं, इतनी सुंदर साड़ी है। और ये मुझे गिफ्ट की है मेरी प्यारी भाभी ने, शर्मिला भाभी ने। थैंक यू शर्मिला भाभी, कितनी अच्छी हो आप, कितनी प्यारी साड़ी आपने मुझे गिफ्ट की, थैंक यू सो मच। मैं बड़े से बड़े प्रोग्राम में भी इसको पहनती हूँ, तो ये साड़ी बहुत प्यारी लगती है। अगली साड़ी ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने बॉम्बे कौतिक से ली थी, जो स्टॉल लगते हैं ना कौतिक में, तो वहीं से ली थी। ये साड़ी मुझे 700 या 800 रुपये की पड़ी थी, लेकिन पहन कर लगता है कि कुछ पहना है, और
बहुत सुंदर साड़ी है, इसका कलर बहुत अच्छा लगा मुझे, और इसमें जो है वो धागे से कारीगरी की गई है। थैंक यू बॉम्बे कौतिक, क्योंकि आज साड़ी ब्लॉग था तो मैंने खुद आज साड़ी वेयर की हुई है। ये साड़ी भी मैंने, ये साड़ी के बारे में मैं आपको बाद में बताऊं। अगली साड़ी है, मैं ये वही साड़ी है जो मैंने चांदनी चौक से जब मैं गई थी, 3-4 साड़ियां ली थी, तो ये साड़ी भी मैंने चांदनी चौक से ली थी। ये साड़ी मुझे पड़ी थी, ये साड़ी पड़ी थी मुझे 2100 रुपये की चांदनी चौक। आप यहाँ से लेंगे तो ये साड़ी आपको 3 या 3500 की पड़ेगी, लेकिन ये वहाँ थोड़ा सा ठीक ठाक मिल जाता है। अगली साड़ी ये देखिए, ये भी बहुत प्यारी साड़ी है, ये भी मैंने साड़ी महल से ली थी। कितनी सुंदर साड़ी है, कलर कितना सुंदर है। बाकी साड़ी के बारे में कुछ कहना तो अतिशयोक्ति हो जाएगी। ये साड़ी मुझे पड़ी थी 5000 रुपये की, और बहुत सुंदर लगती है साड़ी। मैंने वैधु के बर्थडे के पूजा में ये साड़ी पहनी हुई है, देखिएगा बहुत सुंदर। अगली साड़ी अगेन साड़ी महल से ली है, ये साड़ी मुझे पड़ी थी 3500 की। इसका जो कलर है और इसका जो कपड़ा है और जो इसका बॉर्डर है, वो तीनों के तीनों सुपर क्वालिटी के हैं, और इतनी बार पहन ली है ये साड़ी, इतनी हल्की लगती है पहनकर, कोई भी ज़्यादा ऐसा नहीं लगता कि कुछ भारी पहना हुआ है, और बहुत कंफर्टेबल साड़ी है। रेड कलर है तो वैसे ही टमाटरी रेड वैसे ही माता रानी का प्रिय होता है, तो मैंने जागरण के लिए साड़ी ली। थैंक यू साड़ी महल। ये साड़ी है मैंने ली थी ये वैधु के जन्मदिन के लिए, और ये साड़ी मैंने ली थी कला निकेतन से। तो कितनी सुंदर साड़ी है, और सच में वहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी साड़ियाँ हैं। मैं अब जाने वाली हूँ 1-2 दिन में शॉपिंग करने, क्योंकि हम लोग गांव जा रहे हैं, तो वहाँ पूजा के लिए मुझे 2-3 नई साड़ियाँ चाहिए। हालांकि गोविंदा आँखें भी दिखा रही कि ये सब क्या है। नहीं तो पूजा हो या कुछ ऐसा आयोजन हो तो नई कोरी साड़ियाँ पहनी जाती हैं। इस ब्लॉग के माध्यम से गोविंद को ही बता रही हूँ मैं कि 2 साड़ियाँ लेने मैं फिर से कला निकेतन में जाऊंगी। तो कितनी सुंदर साड़ी है देखो मेरी, थैंक यू कला निकेतन। ये जो कला निकेतन है वो साड़ी महल के ठीक बराबर में है। ये साड़ी मुझे दी है मेरी आंटी ने, जो मेरा भाई है विवेक शर्मा, उसकी मम्मी है, उन्होंने मुझे ये साड़ी दी। तो कितनी सुंदर, कलर देखिए कितना सुंदर है, और इस तरह की साड़ी मेरे पास थी नहीं, तो पहन के बहुत सुंदर लगती है, और इसमें जो काम है वो भी बहुत सुंदर है, और लाइट में तो बहुत चमकती है ये साड़ी। थैंक यू आंटी, इतनी प्यारी साड़ी मुझे गिफ्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच। ये साड़ी मैंने ली थी 3 सन से, और उस समय ये साड़ी थी आज से 6 या 7 साल पहले ये साड़ी थी 6000 रुपये की, और बहुत टाइम हो गया इसे पहने हुए। इसका जो बॉर्डर है वो बहुत सुंदर है, इसका जो कपड़ा है वो बहुत सुंदर है, इसके बॉर्डर में जो ये गोटा लगा हुआ है वो बहुत सुंदर है, इसका जो ब्लाउज है वो इस कलर का है, पिंक कलर का, और इसकी पूरी खूबसूरती इसके ब्लाउज में है। तो बहुत टाइम हो गया इस साड़ी को पहने हुए, क्योंकि इस साड़ी को पहनने में मैंने अभी कुछ करवा नहीं रखा है, इसमें चरक करवानी पड़ती है और प्रेस करवानी पड़ती है, तो पहनेंगे अब। ये जो साड़ी है, ये साड़ी मुझे गिफ्ट की है माता मंगला जी ने। थैंक यू माता जी, आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मुझे इतनी प्यारी साड़ी गिफ्ट की, और आपका आशीर्वाद मुझे मिला। और कहते हैं साड़ियाँ तो सुहागनों की, सौभाग्य की निशानी होती हैं, तो आपने मुझे इस रूप में एक आशीर्वाद दिया है, थैंक यू सो मच। और बहुत ही सुंदर सिल्क की साड़ी है, और मैंने पहनी भी, इसे पहन के और भी अच्छी लगी, तो थैंक यू माता जी इतना प्यार देने के लिए। साड़ी मैंने ये जो ली है, ये मैंने नवरात्रियों के लिए ली थी अगेन साड़ी महल से, और सच में इतनी प्यारी साड़ी है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। इसका जो बॉर्डर है ये देखिए, इसमें एलिफेंट बने हुए हैं, पिंक कलर का बॉर्डर है, और बॉर्डर भी काफ़ी चौड़ा है, और पहन के तो इतनी अच्छी लगती है, सेट हो जाती है पूरा। और ये भी 4 या 4500 की साड़ी है, लेकिन बहुत सुंदर साड़ी है। थैंक यू साड़ी महल। ये
ये जो साड़ी है ये भी मैंने साड़ी महल से ली थी। इसका जो सबसे खूबसूरत पहलू है वो है इसका कलर। इसका कलर ये जो है सलेटी कलर की है, और इसका जो ब्लाउज है वो बैगनी कलर का है, तो बहुत सुंदर लगती है। सिल्क में है तो पार्टीज वगैरह में पहनने के लिए बहुत सुंदर। हालांकि मैंने ये चौकी में भी पहनी थी, माता की चौकी में, ऊपर से मैंने इसमें चुनरी डाली थी तो बहुत सुंदर लगी। एक साड़ी मैंने ये ली थी, ये बहुत भारी साड़ी है, मैंने उस समय तो बहुत पहनी थी मैंने ये, अब थोड़ा सा कम कर दिया है भारी पहनना, कभी पहनूंगी, अच्छा लगता है। लेकिन इसको भी देख के, क्योंकि इसका जो पल्ला है वो पूरा रेड कलर का है, और जो साड़ी में देखिए कितना काम है, बाप रे, बहुत अच्छी लगती है पहन के। ये देखिए है ना खूबसूरत। अगली साड़ी जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो है ये रेड कलर की साड़ी। ये भी मैं, मुझे लगता है कि मैंने क्यों ली समझ नहीं आया, ये भी मैंने चांदनी चौक से ली थी। कुछ समय तो ऐसे डिसीजन हो जाते हैं कि बाद में सोचा जाता है कि आखिर ये ली क्यों। हालांकि है तो बहुत सुंदर, रेड कलर है, टमाटरी रेड है, लेकिन कुछ मजा नहीं आया। 3 3 हज़ार की साड़ी है, एक दो बार ही पहनी है, लेकिन मुझे उतना मजा नहीं आया इसे खरीद के। ये साड़ी मुझे बड़ी पसंद आती है अपनी, ये है, ये भी मैंने साड़ी महल से ली थी। इसका जो कपड़ा है वो मैं आपको क्या बताऊँ, कितना सुंदर कपड़ा है, और इसकी जो कारीगरी है ना कपड़े में, आहा, ये देखिए, ये मेरे ख्याल से, इतना तो मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन ये धागे से की गई हुई कारीगरी है, बहुत सुंदर लगती है। गोविंद बना रहे हैं वीडियो और कुर्सी में बैठे बैठे उन्हें आ चुकी है नींद। ये साड़ी मैंने ली थी बॉम्बे कौतिक से, मतलब कौतिक में हम गए थे, तो बॉम्बे हम घूमने गए थे, तो वहाँ एक दुकान पर हम रुके साड़ी की, तो मुझे साड़ी बहुत पसंद आई, क्योंकि इसका जो पल्ला है वो इस तरह का है, लेकिन जो साड़ी है वो है ऐसे। मैं आपको दिखाई देती हूँ, बैठ के इसकी जो साड़ी है वो है पूरी ब्लैक, और उसमें गोल्डन डिजाइन है, और जो इसका पल्ला है वो है इस तरह का, तो सुंदर लगती है पहन के। साड़ी मेरी एक फ्रेंड है प्रिया, तो उसने मुझे गिफ्ट की है। ये कितनी प्यारी साड़ी है, देखिए सिल्क की साड़ी है, प्योर सिल्क है, और पिंक कलर की साड़ी है, और जो इसका पल्ला है वो है ब्लू। झोड़े की शूटिंग में भी इसे पहना हुआ है, तो बहुत सुंदर लगती है। थैंक यू प्रिया। एक ये साड़ी है जिसमें पूरा हाथ से वर्क किया गया है, ये है मैरून कलर की साड़ी, जिसमें पूरा जो काम है वो हाथ से किया गया, बहुत बारीक काम है। और ये साड़ी मुझे गिफ्ट की है शर्मिला भाभी ने, क्योंकि जागरण में हम इस तरह का कुछ पहने तो अच्छा लगता है, लाइट में खूब चमकता है, तो ये देखिए कितना सुंदर है इसका कलर। थैंक यू शर्मिला भाभी। साड़ी मैंने ली थी थ्री सन से, और कितना सुंदर कलर है, देखिए कलर ही मुझे बहुत पसंद आया था, गाजरी कलर है, और साड़ी में भी बड़ा अच्छा वर्क है। देखिए ये साड़ी भी 3 हज़ार तक की मुझे पड़ी थी। इस साड़ी को लिए हुए मुझे 5 साल हो चुके हैं, और चमक इसकी अभी भी वैसी बरकरार है। ये जो साड़ी है ये बहुत सुंदर साड़ी है, ये पर्पल कलर की साड़ी है, और ये साड़ी मुझे गिफ्ट की है ट्विसा ने, बॉम्बे से मेरे लिए लेके आई थी ट्विसा। एक वो साड़ी लाई थी जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, एक ये लेके आई है, ये भी नेट की साड़ी है, और इसके अंदर भी हम साटन का पेटीकोट पहने तो साड़ी इतनी खूबसूरत लगती है, मैं आपको क्या बताऊं। अब किसी मैं प्रोग्राम में पहन के फिर आपको ब्लॉग दिखाऊंगी इस साड़ी का। अगली साड़ी भी मेरे दिल के बहुत करीब है, और मैंने इतना पहना है इस साड़ी को, मैं आपको बता नहीं सकती। जागरण के लिए ये सबसे बेस्ट साड़ी है, माता रानी का सबसे फेवरेट कलर है। ये देखिए इसका जो बॉर्डर है ना, इसकी पूरी खूबसूरती है इस साड़ी के बॉर्डर में। ये देखिए ध्यान से देखिए कितने सुंदर इसका बॉर्डर है, और साड़ी के ही कलर का इसमें डार्क
धागे से वर्क किया गया है तो बहुत सुंदर साड़ी लगती है। अगली साड़ी जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये साड़ी मैंने ली है थ्री सन से, और इस साड़ी की जो खूबसूरती है वो भी इसका जो काम है, ज्यादा क्या बोलूँ, आप खुद देख सकते हैं कि कितना सुंदर वर्क है। नीचे देखिए थोड़ा सा नीले कलर का भी इसमें बॉर्डर है और ऊपर धागे से वर्क किया गया है, गोल्डन की कढ़ाई है, तो बहुत सुंदर लगता है। ये नेट की साड़ी है और जो इसका पल्लू है वो है पिंक कलर का, और जो इसका पल्लू है ये है पिंक कलर का और सिल्क का पल्लू है इसका। तो ये साड़ी भी मेरी 4,500 रुपए की साड़ी है, उस समय ली थी मैंने, आज से 5 साल पहले। बहुत भारी भारी साड़ियां हैं, पहले बहुत भारी भारी साड़ियां ली थी, अब थोड़ा सा हल्की हल्की लेती हूँ मैं, क्योंकि भारी साड़ियां कैरी करने में बहुत मुश्किल होती है। एक ये साड़ी है, ये भी मुझे ट्विसा ने ही गिफ्ट की थी, 3 साड़ियां लेके आई थी मेरे लिए, एक दो पहले दिखा दी, एक ये व्हाइट कलर की साड़ी नेट की साड़ी है, ये भी अच्छी लगती है, पार्टी वगैरह में आप पहन सकते हैं इसको। इसका जो ब्लाउज है वो ब्लैक कलर का है और बहुत सुंदर साड़ी है। थैंक यू ट्विसा। ये साड़ी जो मैंने ली थी, इसका जो मुझे जो इसका सबसे अच्छा पार्ट लगा वो इसका कलर लगा, हल्का मस्टर्ड कलर है और पूरी साड़ी में वर्क ही वर्क है। ये देखिए पहन के इतनी खूबसूरत लगती है ना, मैं क्या बताऊँ। ये भी मैंने 3 सन से ली थी और ये भी मुझे 3,000 की पड़ी थी, तो अच्छी लगी मुझे तो मैंने ले ली। साड़ी है ये, सुंदर सी साड़ी है, पिंक कलर की साड़ी है, ये भी बहुत सुंदर लगती है। एक साड़ी ये है जो मैंने नेहा की शादी के लिए ली थी, और पूरी नेट की साड़ी है, हालांकि इसको लेके भी मैं सोच रही हूँ कि मैंने आखिर क्यों लिए। अगर आप इसका प्राइस पूछेंगे तो ये 8,000 की साड़ी है, लेकिन अब मुझे लगता है कि पता नहीं मैंने क्यों ली, ले ली, पसंद आई उस समय। दोस्तों कुछ साड़ियाँ ऐसी होती हैं जो आपकी, जिनमें आपकी जान बसी रहती है, फेवरेट होती है, तो वैसी एक साड़ी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मेरी इतनी फेवरेट है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। ये साड़ी मैंने ली थी सरोजनी नगर से दिल्ली, और इतना प्यारा इसका जो कलर है, आहा मैं क्या बताऊँ, और पहन के तो इतनी अच्छी लगती है, और रिजनेबल बहुत कम रेट की 3,000 की साड़ी मुझे वहाँ मिल गई थी। यही अगर मैं यहाँ से लेती तो कम से कम 7-8 हज़ार की साड़ी होती, इतनी सुंदर मैं आपको क्या बताऊँ ये साड़ी, और पहनकर तो और ही ज़्यादा सुंदर लगती है। साड़ी में मैंने एक जोड़ा भी शूट किया है, आप देखना, छोड़ दे बिना मेरे धमी, और एक राम भजन भी शूट किया है, वो भी आप देखना, तो इतना सुंदर लगता है ये साड़ी और मेरी फेवरेट है। थैंक यू सरोज नगर। साड़ी मैं आपको और दिखा रही हूँ जो जो कि कुछ सब साड़ियों से अलग है। ये देखिए कितना सुंदर इसका कलर है, पहले है ग्रीन, फिर है मैरून, फिर है ग्रीन, फिर है मैरून, और फिर पूरा मैरून। ये साड़ी मुझे दी है मेरी आंटी ने, विवेक शर्मा है मेरे भाई, उनकी मम्मी ने, आंटी ने मुझे 2 साड़ियाँ दी थी, तो थैंक यू आंटी इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। ये साड़ी भी मैंने कई जागरणों में पहनी है, थैंक यू आंटी। दोस्तों मुझे ये साड़ियाँ तो मेरी फेवरेट हैं, बट जो मेरा दिल जिनमें बसता है वो है कॉटन। ये देखिए कॉटन ही मैंने पहना भी हुआ है, कॉटन मुझे इतनी सुंदर लगती है ना साड़ियाँ, मैं आपको क्या बताऊँ। मेरा अलग से एक वार्डरोब कॉटन का है, जिसमें मैं अपनी सारी कॉटन की साड़ियाँ बड़े सहेज के रखती हूँ, और कॉटन की साड़ियाँ मैं लेती हूँ पिथौरागढ़ में, एक दुकान है बॉम्बे कलेक्शन, गांधी चौक के ही पास में है। इतनी बेस्ट साड़ियाँ, इस दुनिया की जितनी बेस्ट साड़ियाँ हैं मुझे लगता है वहीं भरी हुई है, तो मैं वहीं से लेती हूँ। ये साड़ी भी मैंने वहीं से ली थी, और कम से कम दाम में इतनी प्यारी साड़ियाँ आपको वहाँ मिल जाएंगी। उसके बाद मैं दिल्ली भी गई, उसके बाद मैं कहीं हल्द्वानी, रुद्रपुर, नैनीताल, हर जगह मैंने ढूंढा, बट जैसी क्वालिटी मुझे वहाँ मिली वो मुझे कहीं नहीं मिली। तो आइए दिखाती हूँ कुछ कॉटन आपको। आइए ये देखिए, ये सारी साड़ियाँ हैं मेरी कॉटन की, अब आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसे कैसी और क्या क्या रेंज की ये साड़ियाँ हैं। आइए ये देखिए, ये कितना सुंदर कॉटन है, और ये इसका पल्लू है,
और जो इसकी पूरी साड़ी है वो है रेड कलर की, क्योंकि ये मैंने ड्राई क्लीन की हुई है तो बिल्कुल पैक है, तो खोल नहीं सकती अभी क्योंकि कॉटन खोल के फिर थोड़ा सा इसकी तह बेकार हो जाती है। तो आप ऐसे देखिए, बहुत सुंदर साड़ी है। एक साड़ी मैंने ये ली थी वहां से, ये और ये जो मैंने पहनी है, ये और ये दोनों साड़ी मैंने एक साथ ली थी। ये मुझे कम से कम पड़ गई थी 1,500 रुपये की साड़ी। और देखिए कितनी सुंदर साड़ी है, इसका जो कलर है, इसका जो बॉर्डर है, बहुत सुंदर है। और पहनने में तो और भी ज़्यादा इसको कंफर्ट फील होता है। एक साड़ी है ये जो मैंने निक्की से खरीदी थी कॉटन की, निक्की के पास कॉटन का भी कलेक्शन है तो उसने मुझे ये मेरी पसंद की साड़ी मुझे दी थी। तो जो कलर है पैरेट ग्रीन है और जो इसका पल्लू है वो है पिंक, तो बहुत सुंदर लगती है ये साड़ी। थैंक यू निक्की। एक साड़ी ये है जो मैंने अभी तक खोली नहीं है, पैड्डी है। ये साड़ी मुझे मेरी ताई जी ने गिफ्ट की थी, दादा की शादी हुई थी जब, तो ताई ने मुझे गिफ्ट की थी। तो ये भी बहुत सुंदर साड़ी है, मैंने अभी बनाई नहीं है लेकिन मैं इसे बनाने वाली हूँ। तो थैंक यू ताई इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। एक साड़ी ये है जो मुझे गिफ्ट की है, बॉम्बे में एक हमारे दादा हैं बहादुर बिष्ट जी, उनकी उनके घर हम गए थे तो उनकी वाइफ ने ये पीछा हमें लगाया था सभी को। तो मुझे बहुत सुंदर सी मस्टर्ड कलर की कॉटन की साड़ी दी थी, तो थैंक यू भाभी सो मच। एक साड़ी ये है मेरे पास, ये भी ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन है और जो साड़ी है वो पूरी ग्रीन है और जो पल्लू है वो ऐसा है, तो ये भी बहुत सुंदर साड़ी है मेरी। एक साड़ी ये है मेरे पास कॉटन की, ये मेरी पूरी अगर मैं पूरे साड़ी की बात करूँ तो ये जो साड़ी है ये भी बहुत सुंदर कॉटन है मेरे पास। इसका जो पल्ला है वो ब्लैक और वाइट, ऑफ वाइट है और साड़ी पूरी ऑफ वाइट है, बहुत सुंदर साड़ी है। ये भी मैं पहनती हूँ पार्टीज में, मैं पहनती हूँ इसको, अच्छी लगती है। एक ये साड़ी है, इसे हम प्योर कॉटन तो नहीं कहेंगे, हल्का इसमें सिल्क भी मिक्स है। ये मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट की है और पहन के ये बहुत सुंदर लगती है, और माँ तो जो दे वही सबसे अच्छा है। इसका जो पल्लू है वो इस तरह का है। थैंक यू मम्मी, और मम्मी के पास तो इतनी साड़ियाँ हैं और वो देती रहती है। ये साड़ी मेरी फेवरेट साड़ी है, ये साड़ी मुझे मेरी फ्रेंड है प्रिया शर्मा, उन्होंने गिफ्ट की है और ये प्योर कॉटन है और इतना सुंदर लगता है पहन के। मैंने कई जागरणों में, कई प्रोग्राम में, कई शूटिंग में, झोड़े की शूटिंग में भी मैंने ये पहनी है, तो ये भी बहुत सुंदर है। थैंक यू प्रिया। एक साड़ी ये है, ये भी कॉटन की साड़ी है, ये भी उतनी भारी तो नहीं कह सकते बट अच्छी है। एक साड़ी कॉटन की ये है जो मेरी फेवरेट है, तो ये भी मैं कई बार पहनती हूँ, अच्छी लगती है और बहुत ही कंफर्टेबल साड़ी है, धोती आप इसे कह सकते हैं, साड़ी नहीं। ये साड़ी मैंने ली थी बॉम्बे कलेक्शन से आज से 6 साल पहले। ये देखिए प्योर कॉटन है, ये बॉम्बे कॉटन, और इसका जो बॉर्डर है वो मस्टर्ड कलर का है, इतना सुंदर बॉर्डर है और इतनी सुंदर लगती है पहन के, मैं आपको क्या बताऊं। मैंने एक प्रोग्राम में ये साड़ी पहनी थी तो हमारी जो प्रोग्राम की चीफ गेस्ट थी वो आदरणीय स्वर्गीय इंद्र हृदेश जी थी, तो उन्होंने मुझे स्पेशली अपने पास बुला के पूछा था कि खुशी तुमने ये साड़ी कहाँ से खरीदी। तब मैंने उन्हें बताया कि मैं पिथौरागढ़ से लेके आई, तो उन्होंने मुझसे 3 साड़ियाँ मंगाई थी पिथौरागढ़ से, तो उन्हें भी कॉटन का काफ़ी शौक था तो मैं उनके लिए लेके आई थी वहीं बॉम्बे कलेक्शन से प्यारी प्यारी 3 साड़ियाँ। ये 2 साड़ियाँ मुझे इतनी पसंद आती है मैं आपको क्या बताऊँ, और मेरी आदत ऐसी है कि जो पसंद आ गया तो वो खरीद लेना है। ये कलर मुझे पसंद आया था ब्लैक कलर साड़ी में, ये भी मैंने ली है साड़ी महल से, ब्लैक कलर की साड़ी है ये कॉटन की, और ये देखिए आपको खुद ही पता चल रहा होगा कितनी प्यारी साड़ी है। और जैसे ही मैंने ये साड़ी देखी, इसी का एक दूसरा कलर था ग्रीन, यानी कि दोनों एक ही साड़ी और बस कलर अलग अलग, तो मुझे दोनों पसंद आई तो मैंने दोनों खरीदी। तो ये 2 साड़ियाँ भी मेरी बहुत प्यारी साड़ियाँ हैं, मैं काफ़ी जगह इनको पहनती हूँ और मन भर के मैंने पहन ली है ये साड़ियाँ। थैंक यू साड़ी महल। एक ये साड़ी है जो मैंने अभी खोली भी नहीं है, पैक्ड है,
ये साड़ी मम्मी ने मुझे गिफ्ट की थी। मम्मी को पता है कि मुझे कॉटन पसंद है, तो मम्मी ने मेरे लिए ये स्पेशली ली थी, तो सरप्राइज दिया था मम्मी ने, तो थैंक यू मम्मी। अभी खोली नहीं है, अभी इसे बनाना है, बनाऊंगी। बहुत सुंदर लगती है, इसमें अच्छा काम किया हुआ है। ये देखिए थ्रेड का वर्क है इसमें, बहुत सुंदर, और कलर भी मेहंदी कलर है। ये साड़ी मेरी फेवरेट साड़ी है कॉटन में। इस साड़ी में आप खुद ही देखिए कितनी, ये भी मैंने ड्राई क्लीन करके रखी हुई है, ये देखिए कितनी सुंदर साड़ी है। यहाँ पर कई बंगाली परिवार हैं रुद्रपुर में, तो दुर्गा पूजा करवाते हैं, तो तब हमारा वहाँ प्रोग्राम होता है। ये मैं तब पहनती हूँ, और इसका जो नीचे बॉर्डर है ना, वो इतना चौड़ा है, देखिए ये पूरा गोल्डन बॉर्डर है इसका, और यहाँ से ऊपर फिर रेड कलर है, और वो भी माता रानी वाला कलर है, बहुत सुंदर, और पल्ला भी इसका गोल्डन है। तो ये भी मैंने ली थी बॉम्बे कलेक्शन की थोरागढ़ से, तो कितनी सुंदर साड़ी है। अगर आप बॉम्बे कलेक्शन जाएँ तो वहाँ एक बार मेरा नाम ज़रूर लेना कि खुशी जी ने हमें भेजा है। तो भैया हमारे, मेरे गांव के ही भैया हैं वो, पोखरी के, गंगोली हाट के, तो वो आपको पक्का डिस्काउंट देंगे। तो कितनी सुंदर साड़ी है, थैंक यू बॉम्बे कलेक्शन। ये कॉटन की साड़ी मुझे मेरी मम्मी ने दी हुई है, ये साड़ी भी बहुत सुंदर लगती है पहन के। मैं खूब पहनती हूँ इसको, जब हमारे यहाँ कीर्तन होते हैं पड़ोस में, मोहल्ले में, नवरात्रि में, तो मैं ये पहनती हूँ, बहुत सुंदर लगती है साड़ी। थैंक यू मम्मी। ये साड़ी मुझे कॉटन की मुझे दी हुई है मेरी मौसी ने, क्योंकि मौसी को भी पता है कि मुझे कॉटन पसंद है, तो मौसी, ये कलर बहुत सुंदर लगा मुझे, बिल्कुल देखिए पिंक कलर, खिलता हुआ पिंक है, तो मौसी ने मुझे गिफ्ट किया था, और मैंने मन भर के ये साड़ी पहनी है, बहुत ही सुंदर लगती है। थैंक यू मौसी। ये जो साड़ी मैंने ली है, ये मैंने अभी बनाई नहीं है, बिल्कुल पैक्ड साड़ी है, ये मैंने बनानी है। इसका कलर मुझे बहुत सुंदर लगा, तो मैंने ये किसी की शादी के लिए शायद मैंने खरीदी है, मेहंदी के लिए, तो ये मुझे बनानी है। ये साड़ी भी बहुत प्यारी लगती है, कॉटन की साड़ी है। तो ये थी कुछ साड़ियाँ मेरे पास, कुछ साड़ियाँ जो भारी हैं वो मैं अब रेयर पहनती हूँ, मैंने दीवान में पैक कर दी हैं। तो एक समय ऐसा भी था जब मैंने एक साड़ी से स्टार्ट किया अपनी मैरिज लाइफ को, जो मैंने आपको फर्स्ट में दिखाई, तो उसके बाद धीरे 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 माता रानी ने इतना आशीर्वाद दिया, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, हमें सपोर्ट किया, हमारे गानों को पसंद किया, हमारे प्रोग्राम को पसंद किया, तो आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से और प्रभु की मेहनत से कहीं ना कहीं हम अपने शौक भी पूरे कर लेते हैं, और अपने शौक आपसे शेयर कर रहे हैं। अपनी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग हमें पसंद करते हैं, हमें प्यार करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। और हर स्त्री के लिए मेरा इतना ही कहना है कि साड़ी जो है वो हमारा नेचुरल ब्यूटी है, जो औरत को और भी सुंदर बना देती है, तो साड़ी अधिक से अधिक पहने और अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहने और कॉटन पहने, सिल्क पहने, सब पहने, बट पहने साड़ियाँ, अच्छी लगती हैं साड़ियाँ, हमारा इंडियन कल्चर प्रमोट करती हैं साड़ियाँ, हमारा इंडियन वेयर है साड़ियाँ। तो थैंक यू सो मच आपने मुझे साड़ी कलेक्शन दिखाने के लिए मैसेज किए, तो मैंने ये वीडियो बनाई। कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताना। अभी आगे भी इस तरह से अपनी कुछ भी चीज़ें हैं वो आपसे शेयर करूँगी, और छोटी छोटी चीज़ें हैं, मुझसे जुड़े रहें, देखते रहें मेरे ब्लॉग्स। थैंक यू सो मच, आगे भी ऐसे वीडियोस लेके आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की।